Assalamualaikum audience. Today is uh, our third lecture on human resource development and we are as uh, you know discussing the individual human behavior. This is last time we talked about uh, the personality, the two models of personality and we also talked about attitudes and behavior. One more thing which uh, makes us understand our own selves better and others better is uh, the concept of emotional intelligence which was uh, given by daniel goleman in the mid-90s in the famous book i emotional intelligence now he has recently also come up with the concept of social intelligence but today we will talk about what is this emotional intelligence Now, one intelligence just basically iq may academic intelligence and or देखा यही समझा ये जाता था दैट दिस एकेडमिक इंटेलिजेंस परिटर्म आर सक्सेस इन लाइफ सक्सेस ऑन जॉब सक्सेस इन डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स लेकिन विद द एडवेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जब रिसर्च की गई सामने ये चीज आ रही है दैट आर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑन जॉब आर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन आर रिलेशनशिप्स बिकॉज देखें जॉब पर भी जो सक्सेस है बगैर रिलेशनशिप्स को मैनेज किए नहीं आती बिकॉज जॉब्स आर नॉट डन इन अ वैक्यूम वेर यू आर सिटिंग इन वन रूम एंड मेकिंग इंटलेक्चुअल डिसीजन रेस्ट वर्ल्ड इज फॉलोइंग ऐसा तो नहीं है में इधारों में लोग मिलकर काम करते हैं सो देर देयर एबिलिटी टू वर्क विद पीपल देयर एबिलिटी टू रिटेन एंड मेंटेन द रिलेशनशिप्स इज पर मोर इंपॉर्टेंट दैन देयर प्योर एकेडेमिक इंटेलिजेंस So, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को जब डिफाइन करते हैं एक्सपर्ट्स और एकेडमिशंस तो दे डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ फाइव कंपोनेंट्स और फाइव डायमेंशंस। पांच चीज़ें अगर हमें जो भी हम डिस्क्राइब करने या डिस्कस करने जा रहे हैं अगर हमें वो पांच चीज़ें मौजूद हैं तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और चांस है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को मैंटेन करेंगे रिटेन करेंगे अपनी जॉब्स को अपने बिजनेस को बेहतर चला सकें तो वो पांच चीजें क्या हैं उनमें से पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस अपने आप का पता होना एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर फीलिंग नॉट ओनली आपको अपना नाम पता ठिकाना बेसिक आते हैं तो सबको पता होती है ये कि इस वक्त मैंने क्या खाया हुआ है क्या पहना हुआ है ये भी सब पता है लेकिन वाई आई एम फीलिंग हैप्पी एट दिस पॉइंट इन टाइम और वाई आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अगर ये चीज़ें हम अपने अपने बारे में सोचें गौर करें तो फिर हमें समझ आनी शुरू होती है कि हम इस वक्त मैं इरीटेटेड हूँ या मैं इस वक्त खुश हूँ या इस वक्त मैं परेशान हूँ तो क्यों हूँ अगर मेरे जहन पर एक बोझ साए तो क्यों है सो डी एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ वॉट वी आर फीलिंग इज सेल्फ़ अवेयरनेस ये तो पहली चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस की दूसरी चीज़ जो इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है वो है सेल्फ मैनेजमेंट ठीक है आपने सेल्फ अवेयरनेस तो हो गई पता हमें चल गया कि हम जो फील कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बट नाउ द एबिलिटी टू मैनेज आर ओन इमोशंस एंड इम्पल्स इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कीजिएगा इमोशंस तो हैं ही इम्पल्सिस ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक में जा रहे हैं को सामने से आप गलत चला रहे हैं होता है आप हम सबके साथ होता है आप फर्स्ट लेन में मिडल लेन में थर्ड लेन में चल रहे हैं और आपके सामने एक साहब जा रहे हैं मोबाइल पर बात कर रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे आपकी वह पूरा रस्ता ही नहीं दे रहे अब उसमें इंपल्सिव रिएक्शन गुस्सा आ सकता है कितना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट ठीक है आप उतर के लड़ाई भी कर सकते हैं और उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि वो ये गलत जा रहे थे मुझे गुस्सा आया मैंने ने ने ये कर दिया बट इज दैट इमोशनली इंटेलिजेंट नो इमोशनल so, इंटेलिजेंस का तकाजा है कि हम अपने मूड्स को अपनी इंपल्सिस को अपने टेम्परामेंट को न सिर्फ जाने और समझे में कंट्रोल करें इसी तरह हमें बहुत खुशी होती हम बहुत एक्साइटेड होते हैं डू वी स्टार्ट जंपिंग अराउंड और डू वी अगेन कंट्रोल आर सेल्फ और वी आर पासिंग थ्रू अ मार्केट वी हैव मनी इन आर पॉकेट फाइन एंड वी सी एन एक्सपेंसिव थिंग एंड इम्पल्सिवली वी परचेज इट क्या हम उस मौके पर अपने आप को कंट्रोल कर सकें रोक सके वो जहद कर सकें जो अपने ऊपर करनी पड़ती है अपने आप को अट्रैक्शन से रोकने के लिए तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है सेल्फ मैनेजमेंट तीसरी चीज़ जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस में शामिल है दैट इज सेल्फ मोटिवेशन अक्सर अखबार में न्यूज पेपर में एड्स में पढ़ा होगा स्पेशली दोज ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट ऑफ द ऑडियंस हु न्यूज पेपर वी नीड अ यंग डेडिकेटेड एनर्जेटिक इंडिविजुअल वॉट इज सेल्फ मोटिवेशन सेक्चुअली आर एबिलिटी टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ फेलियर्स In the face of difficult times, in the face of hardships, we persist. Like, I give you the example of a student, any student who knows that it is very difficult for him or her to pay the fees of next semester. But he does not let himself or uh, herself get distracted by this pressure and keeps on focusing on his or her studies and still gets a good grade. Still gets an A plus for A is self motivated because he is not being distracted or dis overwrought or depressed by the environment by his conditions. So he has the ability to rise above it and maintain his focus. Cricket me football me sports mein Many players who know that, mein injury hai, carry kar rahe. Hum iska risk hai या हमारे ऊपर uh, फ्लां बैन था फ्लां चीज थी दे इफ दे कैन राइज अबव दैट प्रेशर या उनका मीडिया का प्रेशर है वो अपना गेम पे फोकस करते हुए अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हुए इफ दे कैन राइज अबव ऑल दीज दे आर सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज इफ वी गेट डिप्रेस्ड एंड डिस्टेक्टेड बाय द रिएक्शंस ऑफ पीपल और बाय द इन्वायरमेंट तो फिर हमारी सेल्फ मोटिवेशन

जिसे कहते हैं ना जमा मर्दी मर्जी डिटर्मिनेशन हिम्मत दैट इज सेल्फ मोटिवेशन द फोर्थ एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज एम्पथी एम्पथी विच बेसिकली मीन्स द एबिलिटी टू सेंस और एबिलिटी टू हाउ अदर्स आर फीलिंग एंड प्लीज नोटिस दिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम सेल्फ टू अदर्स नाउ पहली तीन चीजें जो इमोशनल एंड में हमने डिस्कस की सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ मोटिवेशन वो तीनों हमारे अपने बारे में बट एज वो जो बेसिक हमारा लिंक है बेसिक हमारा जो कॉन्टेक्ट है इस कोर्स का दैट पीपल मेक्स थिंग्स हैपन एंड पीपल नीड सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज सो दैट दे गैन मेक दोज थिंग्स हैपन वो में रखिए Now we are shifting from self. Why we are concerned about HRD is because we want to contribute, we want to have some competencies and capabilities, and we want to say, I am going to So, emotional intelligence, mein those two elements of self and others are highlighted. It is like we have mentioned that the whole objective of this course is so that we can keep ourselves बेनिफिटेड एंड अदर्स बेनिफिटेड यहां पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस के जो फायदे हम अपने आप को जानने से उठा सकते हैं अब हमने दूसरों तक वो फायदे पहुँचाने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी जानें दूसरों को भी समझें सो एम्पथी इज़ इनफैक्ट दी एबिलिटी आर एबिलिटी टू सेंस हाउ अदर्स आर फीलिंग ये नहीं कि आपने जो आपके दिमाग में बात आई कह दी और दूसरे का ख्याल नहीं किया बिकॉज इफ यू लिविंग इन ए फैमिली फोर मेंबर्स ऑफ फैमिली उसमें हो सकता है एक मेंबर को आप ये एक ख़ास टॉपिक है जिसपे वो वीक हैं या जिसपे वो थ्रेटेंड फील करते हैं या जिसपे वो इनसिक्योर फील करते हैं तो हमारा फिर फर्ज है कि हम उनकी फीलिंग्स का भी ना सिर्फ ख्याल रखें बल्कि समझें भी उनको कि इस वक्त द पर्सन विद होम आई एम कम्यूनिकेटिंग इज़ ही हैप्पी इज ही सेटिस्फाइड और इज ही नर्वस और इज ही एजिटेटेड और इज ही एंशियस और इज ही डिप्रेस्ड तो फिर हम उसके मुताबिक अपना भी बिहेवियर मोल्ड करें पांचवा एलिमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का सोशल स्किल्स है एक दफा आपने दूसरे को सेंस कर लिया आपने दूसरे की फीलिंग को प्रिडिक्ट कर लिया सेंस कर लिया नौ

हम उनसे बात कर रहे हैं या हमारी उनसे एक डील हो रही है या गुफ्तु हो रही है और उसमें वो एग्रेसिव हो जाते हैं कैन वी हैंडल एम सो ये पांच जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए जो पांच हमने फैक्टर्स बयान किए ये अगर इनमें हमारा अगेन इफ यू आर गुड इन ऑल दोन एंड ओनली देन वी कैन बी कंसिडर टू बी इंटेलिजेंट इन यूजिंग आर इमोशन एंड एज आई अर्लियर रिसर्च शोन That emotional intelligence is directly related with success. It is also empirically proved now that emotional intelligence is directly related with job satisfaction. Because if we don't understand ourselves and if we don't understand others, the natural outcome is that we will have difficulty in making and retaining relationships. And as I said, this life is all about relationships. चाहे वो सफ़र के दौरान हों चाहे वो दस घंटे की फ्लाइट के दौरान हूँ चाहे वो पंद्रह मिनट की बस राइड के दौरान हूँ इट इज़ ऑल अबाउट ऑल अबाउट रिलेशन आर एबिलिटी टू मैंटेन एंड रिटेन दैम इफ़ वी कैन रिटेन दैम मैंटेन दैम और उनमें एक अच्छे हम ताल्ल क्रिएट कर सकते हैं चाहे वो थोड़े वक्त के लिए हूँ ज़्यादा वक्त के लिए हूँ म्यूचुअली बेनिफिशल हम ताल्लुक क्रिएट कर सकते हैं तो फिर चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे बिकॉज देन की रीज़न है उसकी बड़ी Uh, straightforward reason, because if we are emotionally intelligent, so naturally people will start liking us, people will start taking care of us, and our bosses will probably give good feedback about us, our peers will like us, so people will become more popular, they will become uh, more influential, their sayings will have more impact, so that translates into more confidence, more success. So, emotional intelligence is another uh, way of behavioral tool. जिसकी बेस पे हम पर्सनैलिटी या बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इससे पहले कि हम अपनी इस डिस्कशन को विच इज प्योरली अबाउट दंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर इसको हम वाइंड अप करें नॉट इन सेंस के हम इस टॉपिक को वाइंड अप करें बट वी मूव टू अदर मॉड्यूल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फाइव मोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक तो हमने फाइव फैक्टर मॉडल डिस्कस किया था विच वॉज द कॉन्सियंशियसनेस एग्रिएबलनेस ओपननेस एक्सपीरियंस एक्स्ट्रावर्जन इमोशनल स्टेबिलिटी वो एक पूरा फ्रेमवर्क था अब हम जिन पाँच पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात कर रहे हैं वो अपने अंदर अलग अलग से एक पूरी पर्सनैलिटी लिए हुए हैं तो अगर हम उन पाँचों को थोड़ा समझें और उन पर गौर करें तो हमें मजीद हेल्प मिल जाएगी बिहेवियर को एटीट्यूड को प्रिडिक्ट करने के बारे में उसको समझने के बारे में अपने भी और दूसरों के द फर्स्ट ऑफ दीज फाइव ट्रेड पर्सनैलिटी ट्रेड इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल विच मीनस हमारी जो जिंदगी है उसका लोकस ऑफ कंट्रोल है क्या इज इट इंटरनल और इज इट एक्सटर्नल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होने का मतलब ये है कि क्या हम जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारी जिंदगी में जो वाक़ पेश आ रहे हैं क्या हम उनकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं या हम उनकी जिम्मेदारी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर फेंकते हैं

तो ये जो एटीट्यूड है दैट इज व्हेन हिज लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल व्हेन ही इज टेकिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर इज सक्सेस बट आल्सो हिज फेलियर बट ऑन द अदर हैंड इफ समबडी गेट्स बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग एंड देन ही एट्रिब्यूट्स इट टू दैनेजर टू द बॉस इज कि ये जो मैनेजर है ही डजेंट लाइक मी और ही वॉन्ट्स समबडी हेल्स टू गेट प्रमोटेड इन ऑफ मी और ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी तो फिर हम अपनी परफॉर्मेंस की खराबी को एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी और के ऊपर तो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एक्सटर्नल सो देर लॉट ऑफ डिफरेंस इन हैविंग एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल ये ऐसे ही है जैसे आ, जो काफ़ी राइटर्स इंक्लूडिंग आई थिंक स्टीफन कोवी मैंशन प्रोएक्टिवनेस एंड रिएक्टिवनेस क्या हम हालात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं या हम उनके धारे में बहते हुए चले जाते हैं so, इसी तरह

We are now discussing is after the name of a 16th century Western philosopher called Machiavelli, and the concept is called Machiavellianism. Machiavelli's contribution in uh, Western thought was that he was the one who talked about the gaining of power, who talked about manipulation of power, and who talked about actually the whole concept of. जिसको हम इजीली कह देते हैं दैट एंड्स कैन जस्टिफाई एनी मीन्स कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है एक चीज़ में तो आप कुछ भी कर लें ये मेकेवली की थिंकिंग uh, थी मेकेवली और इसका काफ़ी असर आपको आज भी वेस्टर्न सोसाइटी में आए जब हम जाते हैं तो नज़र आता हमारे यहाँ भी uh, जो वेस्टर्न इन्फ्लुस बहुत सी हैं उसमें एक है ये वी डू समाइम्स वी फरगेट अबाउट दी मीन्स वी आर यूजिंग टू गेट एन एंड और इसको अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म पे चले जाएँ तो फिर uh, ये रिलीजियस स्परिचुअल साइड पर भी चीज निकल जाती है पर पीपल हु आर हाई ऑन या हाई मैक उन्हें कहते हैं वो लोग अन इमोशनल होंगे वो अपने फायदे के लिए दे विल हैव द टेंडेंसी टू वॉक ओवर अदर्स एंड दे विल हैव द टेंडेंसी टू डू वट एवर दे थिंक इज बेनिफिशियल टू दैम इफ दैट रिजल्ट इन समथिंग टेंजिबली और मेटीरियली गुड फॉर देम एंड पीपल हु आर लो ऑन मैक Will uh, probably take more care of other people, will be more sympathetic to others. So, this trait is the one se we can predict someone's behavior. The third one, and this one is heavily researched in management in the literature, is called self esteem. Self esteem, what is self Self esteem basically is the degree to which we like or dislike our own self. So, we can have people who are very high on self-esteem, who like, who are comfortable with their own self and we can also have people who are low on self-esteem, which means they are not very comfortable with their own personalities, they dislike themselves because of hosts of reasons. Again the degree to which people like or dislike themselves is self-esteem. Self-esteem is positively related with job success, job pay, kaam pay, kaamyaabi. पॉजिटिवली रिलेटेड मिली है एम्पेरिकल स्टडीज में सेल्फ एस्टीम के साथ पीपल हैविंग हाई सेल्फ बी मोर सक्सेसफुल इन नॉट ओनली इन जॉब्स बट अगेन दे विल बी मोर सक्सेसफुल जनरली इन लाइफ एज कम्पेयर टू दो पीपल हु हैव अ लो सेल्फ इस्टीम क्योंकि जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी वो क्या करेंगे दे विल टेक मोर रिस्क कॉन्फिडेंस ज्यादा ज्यादा होता है ना दे टेक मोर रिस्क दे मोर सेटिस्फाइड आफ्टर परफॉर्मिंग थिंग्स उनका ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स टारगेट्स वो अपने आप को देंगे वो ज़रा बड़े लेवल के होंगे और उससे ऑब्वियसली सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू दोज पीपल जैसे हमने देखा था बिग फाइव मॉडल में जो लोग इमोशनली अनस्टेबल थे इनको हमने निरोटिक कहा था उस वक्त हमने ये भी कहा था कि ये वो लोग हैं जिनको जो इन हैं इनको अच्छा काम करने के लिए या एवरेज काम करने के लिए भी

इंकरेजमेंट विच मोस्टली नहीं मिलती इन्वायरमेंट से और अगर नहीं मिलती तो देन देयर इन्सिक्योरिटी विल फर्दर इंक्रीज सो सेल्फ स्टीम इज ए गुड वे ऑफ प्रिडिक्ट वेदर दिस पर्सन विल भी यू नो एबल टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट विल एबल टू राइज अबब हिज इन्वायरमेंट और वेदर ही एक्चुअली भी रिएक्टिव टू हिज इन्वायरमेंट चौथा एलिमेंट है जिसकी हम यहाँ बात करना चाहेंगे दैट एलिमेंट इज कॉल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग सेल्फ मॉनिटरिंग में यह है कि द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ पर अगर वो एक फॉर्मल गैदरिंग में है तो दे शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट फॉर्मल गैदरिंग विदऑल जेस्टर्स एंड ऑल दोड अगर वो फॉर्मल गैदरिंग में और अगर वही साहब किसी इनफॉर्मल जगह चले जाते हैं तो वहां पर भी वो अपना उन हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं सो दोज पीपल हु कैन एडजस्ट दम सेल्फ अकॉर्डिंग टू दर्नल फैक्टर्स हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग इसमें अगर हाई हूँ सेल्फ मॉनिटरिंग में तो एक यूजली जो जी प्रॉब्लम आ जाती है वो कॉन्ट्राडिक्शन है कि दोज पीपल दैन है वेरी डिफरेंट पब्लिक परसोना एंड अ वेरी डिफरेंट प्राइवेट लाइफ आप फिर उनको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं सो so, वो इंटरनली हैं क्या असल में क्या हैं उसको जरा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है सेल्फ so, मॉनिटरिंग के स्कोर को भी अगर हम देखें और हमें पता हो कि सम बॉडी इज हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग तो वी कैन हिज़ और बिहेवियर बाय एटलीस्ट नोइंग दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हिम, बिकॉज देर विल भी कॉन्ट्रोडिक्शन ही विल एडजस्ट हिम सेल्फ और हर सेल्फ टू चेंजिंग सरकमस्टेंसेज चेंजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स और जो लास्ट पर्सनलिटी ट्रेट जिसकी बेस पर हम बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो है रिस्क टेकिंग पीपल वेरी पीपल डिफर

एक एलिमेंट तो ये है दैट दे टेक रिस्क दूसरा एलिमेंट ये है कि एक्स्ट्रोवर्ड्स जो हैं वो बोर जल्दी हो जाते हैं दे गेट बोर्ड बाय मोनोटनी अब ड्राइविंग ऑन अ मोटर वे एट वन स्पीड इन वन लेन इज क्वाइट अ अटर एक्टिविटी सो एन एक्स्ट्रो विल ट्राई टू टेक अ चांस विल गो हेयर एंड देयर विल ट्राई टू ब्रेक दैट मोनोटनी उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं सो प्रोपेंसिटी टू एनकाउंटर एन एक्सीडेंट इज मोर फॉर एक्स्ट्रोवर्ड्स एज कम्पेयर टू इंटरवर्ड्स और यहाँ पर भी रिस्क टेकिंग में भी प्रोपेंसिटी हमारी इस तरह वेरी करती है अब कौन लोग जो रिस्क ले जरूरी नहीं है कि जो हाई रिस्क टेकर हैं वो हर जॉब में सक्सेसफुल हों देर आर सर्टन जॉब इन विच हाई रिस्क टेकिंग कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं एंड यू डील विद इंजर्ड पीपल यू कैनोट टेक रिस्क देअ है वेरी विजिलेंट एंड वेरी Uh, focused or uh, you know on the job at hand and you cannot always innovate the way you treat because you are risking the life or well-being of an individual. if you are a stock broker, you are in the stock market or you are in financial houses, maybe it is required that you take a risk so that your profit, your client makes some money and he makes some profit. and. Uh, that is where the risk taking is required. you have entrepreneur hai a speculator hai. risk taking required hoga. But bossy jobs pe risk taking required nahi hoga. So these five traits hai, uh, five personality traits on the basis of which we can predict behavior. So we now move to another important debate and another important discussion, which uh, from the behavioral point of view, from understanding human behavioral point of view, is the main cornerstone, and that is the area of perception. I would like to start this discussion by using quite an old but yet very effective analogy. Skilly, I would like to present your attention to this glass of water. This glass of water is it half. और इज इट हाफ फुल क्या ये आधा भरा हुआ या आधा खाली बहुत से लोगों को आधा भरा नजर आएगा बहुत से लोगों को आधा खाली नजर आएगा एंड दैट इज द होल क्रक्स ऑफ परसेप्शन दैट वी नेवर सी रियलिटी वी ओनली सी वी प्रसिव अब जिन लोगों को ये भरा हुआ नजर अब हम उसपे आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कैन से के जी आधा खाली है क्योंकि ये पूरा भरा हुआ था इसमें से आधा गिरा दिया गया तो ये आधा खाली है या ये कहा जा सकता है कि ये आधा भरा हुआ है बिकॉज ये बिल्कुल खाली था इसमें पानी डाला गया आधा ग्लास तो ये भरा हुआ है लेकिन फॉर द सेक ऑफ जितने भी आर्गूमेंट्स आप कर लें एंड रिजल्ट तो ये कि हम हाफ ग्लास को हाफ एम या हाफ फिल में से कुछ भी कह सकते हैं एंड नो बडी कैन एक्चुअली चैलेंजेस कि आपने ये क्यों कहा बिकॉज नो बडी नोज रियलिटी सो वॉट डिस ऑल मीनस हमें इस जिंदगी में इस दुनिया में रहने के लिए पांच सेंसेस अल्लाह गिवन अस वी ऑल नो सेंसेस क्या है साइट है हेयरिंग है टेस्ट है टच है, है स्मेल है हमारी सारी की सारी दुनिया जो हम देखते हैं सूंघते हैं सुनते हैं या जो हमारे माइंड में दुनिया का पिक्चर है इमेज है वो इन पांच सेंसेस के इन पांच हिस्सियात के ऊपर डिपेंडेंट है कुछ भी आम जिंदगी में हमें इन पांच सेंसेस से बाहर नहीं मिलता ना एक्सपीरियंस ना ही कोई मौका देखने का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत से फील्ड ऐसे हैं जो इन फाइव सेंसेस से बियॉन्ड हैं स्पिरिचुअलिटी है जैसे

इफ मीनिंग टू ए पर्टिकुलर इवेंट मीनिंग टू ए पर्टिकुलर इंस्टेंट वो भी यूनिक आप ये देखिए आप अपने दोस्त के साथ मिलकर टीवी देख रहे हैं या मूवी को देख रहे हैं और आप एक ही सीन को आपको कहा जाता है अलग अलग से दोनों दोस्तों को आप उसे डिस्क्राइब कीजिए तो क्या आप उसे एक्जैक्टली exactly एक तरह डिस्क्राइब करेंगे देखा तो आपने एक ही चीज लेकिन आप एग्जैक्टली exactly एक तरह डिस्क्राइब नहीं करेंगे बिकॉज इसके बावजूद कि आपने फिजिकली एक ही चीज़ देखी है लेकिन आपने डिफरेंट परसेप्शन यूज किया है क्योंकि आपकी आपने अपनी बिलीफ अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस की नज़र से उसको देखा है पांच सेंसेस फिजियोलॉजिकली तो ठीक है वो उनकी भी वही थी आपकी भी वही थी लेकिन उन सेंसेज को इंटरप्रेट करने वाला समझने वाला जहन क्योंकि मुख्तलिफ था इसलिए मुख्तफ था क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी उसके डिफरेंट बिलीव्स थे डिफरेंट ओपिनियंस थी डिफरेंट नॉलेज थी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी डिफरेंट एक्सपीरियंसिस थे इसलिए जो आपने देखा वो एक ही नुकता था लेकिन आपको नजर फर्क आए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक येलो रंग की ग्लासेस पहन लें तो आपको दुनिया येलो नजर आनी शुरू हो जाएगी आप वो येलो उतार के पिंक रंग की पहन लें आपको पिंक नज़र आनी शुरू हो जाएगी आप उसको उतार के ब्लू रंग की पहन लें आपको दुनिया ब्लू नजर आएगी ग्रीन पहन लें ग्रीन नजर आएगी सो so, आपको जो नजर आ रहा है वो वो है जो आपकी एनक आपको दिखा रही है और ये परसेप्शन बिल्कुल एक एनक की तरह इट इज जस्ट लाइक ए लेंस इन फ्रंट ऑफ आर आईज एंड थ्रू दिस लेंस वी लुक एट द वर्ल्ड एंड वी इंटरप्रेट द वर्ल्ड वी एब्जॉर्ब द वर्ल्ड एंड देन वी इंटरप्रेट इट और अगर हम ये कहें कि ये लेंस जो बना है किस चीज से बना है और अगर हम ये कहें कि ये हमारी बिलीफ से बना है हमारी नॉलेज से हमारे एक्सपीरियंसिस से हमारी वैल्यूज से बना है तो गलत नहीं होगा क्योंकि दैट इज द यूनिक पॉइंट अदरवाइज इफ इट इज मेड अप ऑफ सम मटीरियल थिंग तो फिर तो हम सबके लिए ये एक जैसे एक बराबर होना चाहिए बट इट इज यूनिक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ साइकोलॉजिकल फिनमल साइकोलॉजिकल ट्रेड्स बिलीफ वैल्यूज एक्सपीरियंसिस सारे हमारे माइंड में जो इम्प्रिंट्स हैं ये हमारे अपने हैं यूनिक हैं वही हमें इस दुनिया को दिखा रहे हैं वही हमें परसेप्शन वही हमारी परसेप्शन है वही हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया की इसमें बहुत सी एग्जाम्पल देर इज नो डर्थ ऑफ एग्जाम्पल्स इन परसेप्शन आप अगर फैमिली मेंबर चार या पांच कट्ठे बैठे हैं या दोस्त कट्ठे बैठे हैं जस्ट गो आउट इन अ गार्डन छोटे से घर के गार्डन में एंड लुक अराउंड उसके बाद एक पैराग्राफ में लिखी है आपने क्या क्या देखा हो एंड यू सी ऑल फोर एंड फाइव ऑफ यू है इंटरेस्टिंगलीव पुट डाउन थिंग्स विच आर टोटली डिफरेंट किसी को कोई एंगल ऐसा नजर आया होगा जो दूसरे ने गौर नहीं किया किसी दो ने गौर नहीं किया तो तीसरे ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया चौथे ने कर दिया एक ही चीज को देखा लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया डिफरेंट तरीके से लिख दिया दो बिकॉज वी आर डिफरेंट सो देर आर मैनी फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन आर परसेप्शन उसमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो खुद प्रिसीवर के अपनी जात का हिस्सा हैं लाइक इफ आई एम लुकिंग एट सर्टन थिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट इन माई माइंड चाहे वो समंदर है चाहे वो दरिया है चाहे वो कुछ भी है उसमें अब वो मेरे माइंड में जो इंटरप्रिटेशन बन रही होंगी वो मेरे अपने एक्सपीरियंसिस पे बेस्ड है मेरे अपने एटीट्यूड पे बेस्ड है मेरी अपनी पर्सनैलिटी पे बेस्ड है मेरी अपनी उस वक्त की स्टेट ऑफ माइंड पे मुनसर है मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन उस पूरे इवेंट से या उस पूरे सीन से या उस पूरे वाक्य से उस पर मुनसर है और मेरी अपनी इंटरेस्ट पे मुनसर है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन And I have no interest in nature, and I have no interest in um, you know outside world, or no interest in uh, observing. or well then I will be just sitting in a train, probably either reading something, or just sleeping, or doing nothing. Or the bhair bhi in train say, so I will just be mechanically looking at things without thinking. Or which is in Gujarati But if I have an interest in observation, if I have an interest in outdoors, here. गुजरते दरख्त गुजरता आसमान वो तेजी से गुजरते हुए शहर प्लेटफॉर्म स्टेशन सो समी एट दफ द जर्नी वट डेड यू एक्चुअली ऑब्जर्व द माई आंसर विल बी वेरी डिफरेंट दैन अ पर्सन हुट से पासिंग टाइम एंड वेटिंग फॉर द डेस्टिनेशन टू कम उनसे अगर आप यही सवाल पूछेंगे इनसे हाँ बाहर थी चीजें याद तो नहीं है बट जनरली

ये कहते हैं ना कि बच्चा भी जब रोता है तो माँ उस बच्चे को नोटिस करती सो दैट मीन्स दी पर्सन ऑन विच इज आर टारगेट वो भी एक इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है इफ दैट टारगेट इज वेरी तो हमें जल्दी नजर आ जाएगा इफ दैट टारगेट इज मूविंग हमें जल्दी नजर आ जाएगा ट्रैफिक लाइट्स में आप देखें क्यों रेड कलर रखा जाता है ट्रैफिक को रोकने के लिए बिकॉज इट इज विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस जो इंसानी आंख के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल आराम से उसको नजर आने वाला रंग है वो सुर्ख है रखा नजर आए वहीं पे ब्रेक लग जाए रुक जाए सो इट विल डिपेंड ऑन वट वी आर लुकिंग एट अगर हम देख रहे हैं एक सीन में कोई तब्दीली नहीं आ रही फॉर द लास्ट फाइव मिनट्स टेन मिनट्स तो हम उक्ता आ जाएंगे उस सीन से बट इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग तो हम उसे देखते रहें और हमारी परसेप्शन उसके मुताबिक बिल्ड होती रहे और तीसरी चीज़ जिसके ऊपर हमारी परसेप्शन डिपेंड करती है वो कॉन्टेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है लाइट एंगल्स लाइट ही अच्छी नहीं है तो बाकी हमें ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं और अगर हम इतने इंटरेस्ट से नहीं देख रहे तो मे बी फिर हम क्राउड के in साथ इन्वॉल्व ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी गैदर विच वी रिमेम्बर विच वी रिटेन और जिसकी बेसिस पे फिर हमारी

बिकॉज लोग खुद जानदार हैं वो खुद बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो हमारी उनके बारे में परसेप्शन मुख्तलिफ होंगी बेजान चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ होंगी यहाँ पर एट्रीब्यूशन थेरी आएगी और वो एक्सप्लेन करती है कि हाउ वी जज पीपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग वी एट्रीब्यूट टू अ गिवन बिहेवियर लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक कंपनी में काम करते हैं हम देखते हैं कि एक साहब रोज लेट आते हैं अब वो क्योंकि रोज लेट आते हैं तो हम हफ्ते बाद दस दिन बाद महीने बाद ये एट्रिब्यूट कर देंगे कि ही इज़ ए लेट कमर लेकिन अगर कोई शख्स महीने में सिर्फ एक दिन लेट आता है तो हम उन्हें अपने जहन में ये नहीं कहेंगे कि ही इज ए लेट कमर बिकॉज वो तो इन in, इंसीडेंट हुआ ही एक दफ़ा सो इट विल डिपेंड हमारी जो एट्रिब्यूशन होती है अबाउट जजमेंट जब हम किसी पर कोई फैसला जहन में सुनाते हैं तो वो उसकी बेसिस होती हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बिहेवियर अगर तो वो रूटीन में हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम एट्रिब्यूट कर देंगे उसके मुताबिक और अगर हम वो कभी कभार देखते हैं तो फिर हम एट्रिब्यूट नहीं करेंगे दूसरी चीज़ ये है अगर एक ही सिचुएशन में लोगों को डाला जाता है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं अगर हम ये देखते हैं कि कॉमनली जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ट्रेवल पर जा रहे हैं बस में बैठे और झटके लगने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन रोड बम्पी है वट एवर तो एक खास बिहेवियर है जो लो, लोगों का हमें नजर आएगा अगर वो हमें बिहेवियर नजर आएगा तो हम भी शायद हमारे भी जो जो बिहेव करने का स्टाइल है वो उन लोगों जैसा हो जाएगा बट इफ दे आर ट्राइंग टू फर्मली ग्रिप द चेयर हम भी वो करेंगे जो कि हमारी रिफ्लैक्स भी है बट इफ यू सी एवरी सिटिंग कूल एंड काम एंड रिलैक्स तो फिर वो ग्रिप करने की रिफ्लैक्स तो हमारे अंदर रहेगी लेकिन वी वीन ऑल्सो इनसाइड साइड ट्राई डू द सेम विच विच अदर पीपल आर डूइंग सो हमारा जो बिहेवियर है हमारी जो प्रसप्शन है वो वाकयात की कॉन्टीन्यूटी से वाकयात की कंसिस्टेंसी से वाकयात की और इवेंट की फ्रीक्वेंसी से डेफिनेटली इफेक्ट होती है लेकिन एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन की एरर हम उसको मैं हाईलाइट कर देना ज़रूरी समझता हूँ एंड देट इज देट वन एवर वी परफॉर्म बैडली परफॉर्म अंडर एक्सपेक्टेश ब्लेम दैट अंडर परफॉर्मेंस टू एक्सटर्नल फैक्टर्स परफॉर्मेंस रेटिंग हमारी अच्छी नहीं आई हमने जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल दी हमने मैनेजर पर ब्लेम कर दिया या हमने कंपनी पर ब्लेम कर दी ये तो कंपनी अच्छी नहीं यहां मुझे आगे आने के मौके ही नहीं मिलते यहाँ मेरा वर्किंग कंडीशनस ही ठीक नहीं है मेरा कंप्यूटर ही ठीक नहीं है उसकी स्पीड बहुत स्लो है ये सारी चीजें हम क्वाइन नहीं करते बट वी ट्राई टू ब्लेम दैम ऑन एक्सटर्नल फैक्टर सो दैट हम क्रेडिट ना लें फेलियर का लेकिन जब हमें कोई कामयाबी मिलती सक्सेस मिलती या हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छी आती है तो फिर हम इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर को भूल जाते हैं देन वी डोंट गिव क्रेडिट टू अ गुड कंप्यूटर देन वी डोंट गिव क्रेडिट टू गुड वर्किंग कंडीशन देन वी डोंट गिव क्रेडिट टू अ गुड बॉस और अ गुड मैनेजर देन वी टेक द्रेडिट फिर हम ये कहते हैं कि आई परफॉर्म वेल बिकॉज आई एम गुड एक फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर इसलिए है बिकॉज दैट इज ह्यूमन नेचर अब इस पर हम कितना काबू पाते हैं और कितना हम इसको कंट्रोल करते हैं दैट विल डिटर्मिन whether we are successful in terms of managing our बिहेवियर or not। so success is attributed internally, while failure is attributed to external factor। इस चीज को हम सेल्फ सर्विंग बायस भी कहते हैं इसके अलावा परसेप्शन के मौजू पर रहते हुए अब हम इतनी चीज़ें देखते हैं इतनी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं ऑन इन ए गिवन मिनट और इन ए गिवन आवर और इन ए गिवन डे और फिर उसको मंथ्स और ईयर और पूरी लाइफ पे आप ले जाएं, तो वी आर एक्चुअली ऑल द टाइम बाय सेंसरी इंफॉर्मेशन आप ड्राइविंग करते हैं घर से निकलते हैं और अपने ऑफिस तक जाते हैं या मार्केट तक जाते हैं तो रास्ते में आप कितने लोगों के चेहरे देखते हैं कितने बोर्ड्स पे आपकी बिल पे नजर पड़ती है कितनी दूसरी कारों को आप नोटिस करते हैं कितनी आवाजें हमें आती हैं कितनी चीजें हम सुनते हैं There is no end to it. तो हमारे अंदर एक टेंडेंसी आती है एज ह्यूमन बींग्स अगेन टू इग्नोर मोस्ट ऑफ देंसरी इंफॉर्मेशन विच इज बम्बार्ड ऑन आस हमारी हमारी ह्यूमन नेचर है वरना अदरवाइज तो हम फिर कोप नहीं कर सकते इतनी इंफॉर्मेशन से तो हम क्या करते हैं कि हम उसको अपनी परसेप्शन का एक शॉर्टकट बना लेते हैं जिसको सिलेक्टिविटी कहते हैं हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सुनते देखते या गौर करते हैं जो हमें अपने से रेलिवेंट लगती है बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं ये जनरली तो हमें चीज़ फ़ायदा देती है इट हैल्प्स अस बिकॉज इट कंट्रोल्स स्टैटिक इट कंट्रोल्स द नॉइज इन द इन्वायॉयरमेंट लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हैबिट को अपना लें और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देखें सुने या समझें जो हमें फ़ायदा ही देती है टेंडेंसी आ जाती है इस चीज़ की कि हम बहुत सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को मिस आउट करना भी शुरू कर देते हैं सो वाई नोइंग दैट सिलेक्टिविटी इज अ प्रोसेस विच इज नैचुरल इन अस वी शुड बी केयरफुल दैट हम बहुत ज्यादा ओवर सिलेक्टिव ना हो जाएं कि हमें स्वये अपनी से फायदे से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपनी ज़्यादात से और अपनी कम्यूनिटी सिर्फ अपनी कम्यूनिटी या अपनी ग्रुप से रिलेटेड फायदा तो नजर आ रहा है लेकिन हमें जर्नल कंसर्न जर्नल उस चीज के ऊपर जो परेशानियां हैं लोगों की वो हमें समझ ही नहीं आ रही दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम सो ये स्पीड रीड करना सिचुएशन को ठीक है लेकिन विद इन लिमिट्स इट शुड नॉट बी अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड टू द एक्सटेंट दैट वी बिकम ए प्रिजनर ऑफ आवर ओन पर्सनैलिटी और हमें सोए अपने कुछ नजर ही नहीं आए दूसरा शॉर्टकट परसेप्शन का जो मोस्टली हम यूज करते हैं और वो भी नेचुरल है, बिकॉज हम एज ह्यूमन वी दैट पीपल आर लाइक अस। एक साइकोलॉजी में चीज़ प्रूव की जाती है हम जनरली जब हम अगर हमें डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो हम ये नहीं सोचेंगे किसी को कोई असाइनमेंट देते हुए कि मे बी डाइक एनालिसिस वी विल एज्यूम होगा ही बिकॉज दिस इज वे वर्क इज डन सो वी माइट Give an intuitive person, or we might give a feeler a piece of assignment which involves gathering precise data because we are like that. We have that this personality, this is not suitable, is not fit for this job. So, he will come to us, maybe he will delay the work, maybe he will come up with a work which is below our expectations, maybe he will get frustrated. So, at the end of the day, what is उसमें या तो डिले होगा या उसकी क्वालिटी सफर करेगी सो वी शुड बी फेमिली शुड रियलाइज दैट दिस एज्यूम्ड सिमिलैरिटी विच वी यूज दैट पीपल आर लाइक अस इज फाइन अगेन फॉर सर्टन थिंग्स फॉर जनरली इट इज फाइन बट वी कैन नॉट एज्यूम दैट पीपल आर लाइक अस ऑल दाइम इसमें एक चीज में आपको बड़े वाज लफ्सों में और बड़े क्लियरली बता दूं

इंसान की जात परसनैलिटी शख्सियत की बात हो रही है नथिंग इज हंड्रेड परसेंट जर्नली जब हम कहें इट मींस में भी एटी परसेंट नाइनटी परसेंट एक्सेप्शन होंगी सो प्लीज डोंट टेक इट एज हंड्रेड परसेंट एंड डोंट से क्योंकि ये सब करते हैं और ये शायद एक नॉर्मल चीज है इसलिए आई डू इट देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन थर्ड थिंग शॉर्टकट विच वी यूज वाइल प्रोसीविंग थिंग्स इज स्टीरियो टाइपिंग का मकसद ये है जजिंग सम वन ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रुप और सोशल सर्कल और अ फैमिली और अूनिट टू विच दैट पर्सन बिलोंग फॉर एग्जाम्पल मैरिड लोग होते हैं उन मैरिड लोगों का ग्रुप है मैरिड लोगों का और अनमेरिड लोगों में बहुत से फ़र्क होते हैं अगर हम ये कहें एज अ बॉस या एज एम्प्लॉयी में भी मैरिड पीपल आर स्टेबल एम्प्लॉय तो हो सकता है हम एक शख्स को इंटरव्यू में सिलेक्ट ही इसलिए करेंगे मेरिट है विद स्टेबल इंप्लॉय एंड व्हेन वी एक्चुअली हायर हिम ही टर्न्स आउट टू बी ए वेरी पर्सनालिटी, तो ये स्टीरियोटाइपिंग हमें नुकसान भी दे देती जर्नलाइज Gen करना अगेन विद यूजिंग आवर विजडम एंड यूजिंग आर कॉमन सेंस जर्नलाइज करना इज फाइन बट इफ वी स्ट्रिक्ट बिलीव हंड्रेड परसेंट ऐसा ही है तो फिर यह चीज हम पे बैकफायर कर जाती है बिकॉज देन जिंग इन दैबिट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग या हम कहेंगे हंड्रेड परसेंट तो ये नहीं है आजकल के जमाने में तो शायद फिफ्टी फिफ्टी है एज की बेस पे मैरिटल स्टेटस की बेस पे नेशनैलिटी की बेस पे एथनिक रिजन की बेस पे सोशल स्टेटस की बेस पे वी कैनोट जर्नलाइज थिंग्स यू कैनोट स्टीरियोटाइपली जर्नलाइज ऐसा ही होगा बिकॉज देन We will be missing out on certain exceptions. When we miss out on we will be missing out on our uh, quality of decision making, our quality of understanding, the understanding of the whole con context will be suffering. Fourth thing, which is another shortcut to perception, or in shortcuts, we will as errors of perception. Lekin errors, hum करंट uh, लिटरेचर में यूज नहीं करते क्योंकि ये हमारी नेचर है सो एरर हरकत करना तो हम मीन से एर या गलती तो नहीं कहेंगे शॉर्टकट कह लेंगे बिकॉज दैट इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड दैट इज हाउ वी ट्राई टू मैनेज दिस वर्ल्ड सो चौथा शॉर्टकट ऑफ परसेप्शन इज कॉल्ड एज हेलो इफेक्ट हेलो इफेक्ट क्या चीज हेलो इफेक्ट इज वेन वी फॉर्म अ जनरल इंप्रेशन पर्सन बेस्ड ऑन वन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लाइक वी नो एग्जाम्पल दैट अ पर्सन इज इंटेलिजेंट और अब हम उसकी बेस के ऊपर जनरल इंप्रेशन बना लेंगे क्योंकि ये इंटेलिजेंट हैं इसलिए ये फला काम भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे ये yeah, होता है क्लास में टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है एंड वन द टाइम कम्स फॉर द स्टूडेंट यानी यूनिवर्सिटी क्लास टू गिव फीडबैक अबाउट द टीचर उस वक्त फीडबैक देते हुए दे विल जर्नली pick one major characteristic, yeah, jo, unko important lagta hai of that teacher. for example, ho sakta hai a teacher, both enthusiastic, ho, loud, ho, aggressive ho, about student, then ja, the teacher is very good. and on the other hand, if the teacher is very competent and takes interest in the development of his uh, students, but is very quiet, he is not, not very loud. इज़ नॉट वेरी अग्रेसिव तो हो सकता है स्टूडेंट ये समझेंगे इन्हें इन साहब को हमारी डिवेलपमेंट में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है सो तो ये इतने अच्छे टीचर नहीं है तो जो पहले साहब थे उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग इन टीचर से अच्छी हो सकती क्योंकि हमने हेलो इफेक्ट देखा हमने एक दो करेक्टर देखे और पूरा जो टीचर के एक्टिविटीज थी जो उनकी एफर्ट्स थी जो इनकी कोश्चें थी उन पर हमने नजर नहीं डाली हमने वो चीधा चीजा चीजें देख ली जो आसान थी पिक करनी अगेन दिस इज ह्यूमन नेचर So, perception, as we discussed, perception like a lens in front of our eyes, which is showing us this world, and we have also discussed uh, the attribution theory to some extent and the perceptual shortcuts which we use when we are looking at things. Now, when we 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 चाहे हम आंखें बंद करके सोच रहे हैं अगेन वी आर प्रिसीविंग क्योंकि पढ़ने में भी आप एक पैराग्राफ किसी साहब को दें एंड देन एट रैंडम किसी और साहब को वही पैराग्राफ दें दे विल अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली बल्कि वो कहा जाता है यूनिवर्सिटीज में स्पेशली मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे वाईवाज और एग्जाम्स इंटरनल एक्सटर्नल बड़े कॉमन है वहाँ पर कहा जाता है कि आप किसी भी स्टूडेंट को दो मुख्तलिफ टीचर से एक ही पेपर उनका ले एक ही क्वेश्चन पेपर से उनकी आंसर शीट्स जो हैं वो दो मुख्तलिफ टीचर्स को दे दें और दी गई हैं एक्सपेरिमेंट हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे और उसी आंसर शीट पे एक स्टूडेंट को एक टीचर ने ए प्लस दिया है और एक टीचर ने फेल किया विच मीन्स वी कॉन्ट सी द रियलिटी जॉब तो उन्होंने वही दिया लेकिन उनको प्रसीव टीचर्स ने अपनी अपनी प्रसेप्शन के मुताबिक किया और उनको ग्रेड और मार्क्स अपनी अपनी प्रसप्शन के मुताबिक दिए सो वॉट इज द लेसन फॉर अस अब हम हर एक की परसेप्शन हर एक की परसनैलिटी को तो समझ नहीं सकते सो द बेस्ट थिंग इज दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल आर ओन सेल्फ एंड देन जो ये हम कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स डिवेलप कर रहे हैं अपने लिए द स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर ओन बिहेवियर फिर हम इनको दूसरों पे शिफ्ट करें वैन वी ट्राई टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर परसनैलिटीज देयर बिहेवियर्स देयर एटीट्यूड्स देयर परसेप्शन बाय ऑब्जर्विंग बाय डिस्कसिंग विद दैम बाय टेकिंग जेन्यून इंटरेस्ट इन दैम जब तक हम जेन्यून इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक दूसरे तो हमें अपने बारे में खुद आके नहीं बताएंगे ये मेरी फलां आदत ऐसे है मेरा फलां मूड ऐसे है वो हमें ही ऑब्जर्व करना है हमें ही पूछना है और क्योंकि हम सीख रहे हैं और जितना हम अपने बारे में दूसरों के बारे में उनके बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में सीखेंगे समझेंगे जानेंगे उतना ही हमें रिलेशनशिप बनाने में आसानी रहेगी रिटेन करने में आसानी रहेगी वी विल हैव ए लार्ज सर्कल ऑफ़ पीपल जिनके साथ हमारा रेपो अच्छा होगा हम जहाँ काम करेंगे वहाँ पर हमारा रेपो अच्छा होगा जब जनरली लोग हमारे बारे में अपीरियन अच्छी रखेंगे तो फिर हमारे बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हमारी आ, जो ये रिपोर्टिंग्स होती हैं ये भी अच्छी होंगी सो लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग अराउंड अस एंड दैट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये तो नहीं है कि उसमें हमने कोई मेरेकल कर दिए स्मॉल थिंग्स मैटर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर मूड विल मैटर इन द लॉन्ग रन बिकॉज इट विल हेल्प यू बिकॉज आपकी इंटेंशन अच्छी है एंड अल्लाह टी ऑलवेज रिवॉर्ड गुड इंटेंशन तो अगर अच्छी इंटेंशन से हम अपने आप को समझ रहे हैं दूसरों को समझ रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड एंड फ्रॉम दैट इंडिविजुअल दैट गुड गुड इफेक्ट विल स्प्रेड टू अ ग्रुप अ डिपार्टमेंट अ कंपनी अ लोकैलिटी a a street a city a country and then globally so we end today's session at uh, this topic of perception and so far so many personality perception perception we are now moving towards the depths of human behavior and in the sessions to come we will continue talking about individual human behavior and then we will move on to the group behavior. But till then, it is for the office and thank you very much.